अंदर आप देखें कितना कुछ गार्बेज भरा हुआ है। पहली उतारते हैं फिर दूसरी लगाते हैं। तो आज था लॉन्ड्री डे, जब आज की लास्ट ईयर तैयारी की हुई अच्छा और खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा। आलू की शक्ल देखें कितनी होने के बाद लगने के बाद कितना खूबसूरत लगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कैबिनेट्स के उतार दिया गया है क्योंकि उस पर पेंट होना है। और अंदर आप देखें कितना कुछ गार्बेज भरा हुआ है, स्किन केयर और पता नहीं क्या क्या। नथिंग गेट फिक्स्ड, यहाँ पे एक चीज फिक्स करते हैं दूसरी चीज उतरती है। पहली उतारते हैं फिर दूसरी लगाते हैं। इससे सारे काम करा ले, तुम भी कहते हो ये तार बाहर से जो नजर आती मुझे अच्छी नहीं लगती। अभी दीवार के अंदर से वहाँ भी इसका एक आउटलेट लगेगी जिसमें इसकी पावर लगेगी, तो आपको देखने वाले को ये नहीं नजर आएगी कि इसकी तार कहाँ से आ जाए। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, तो तेरी पता तेरी ख्वाहिशा पूरी करते करते आज मैं इतने थे आ गई। और वायर्स अब नजर नहीं आ रहे, कुछ आप गाइस यही करते रहते हैं, एक तार हटा रहे हैं एक निकाल रहे हैं। अभी ऊपर का किया है ना, मतलब उनको बता चुके हैं ना कि अभी देखो उसकी कि अब आपको क्या वायर नजर नहीं आ रही है। वो बंदा समझ देखने वाला समझेगा कि सोलर पे चल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी। हां सोलर तो चल ही नहीं रहा है। देख इस पे जो पंखा का लेवल देख, या सीधा, हां हो सीधा, ओके थैंक यू एडमिट। चले आज है जी मेरा लॉन्ड्री डे, पता नहीं कैसे करूंगी इतनी सारी लॉन्ड्री, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प लूंगी लॉन्ड्री करने के लिए, अकेली तो नहीं कर सकती, बहुत सारी लॉन्ड्री इकट्ठी होगी। धूल मिट्टी वाले कपड़े सारे आज इसमें धोएंगे। तो आज था लॉन्ड्री डे और यहाँ से पूरे कपड़े गए नीचे, नीचे से आ रहे ऊपर, इस तरह की तीन बास्केटें हैं जो भर भर के ऊपर आई हैं। और ये मैंने सारी यहाँ पे मैट्रेस पे डंप कर दी है। ये बेडशीट्स हैं, इसमें एसी में रहने देते हैं क्योंकि ये चेंज करनी होगी। और बस आज सारा दिन मेरे साथ लॉन्ड्री करें, हैंग करें, फोल्ड करें, सारा दिन तो नहीं लेकिन आज का दिन आपको पता है कि बाहर नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि प्रोटेस्ट है पैलेस्टाइन के लिए कि आपने कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। तो जो भी घर में आपके काम मौजूद हैं, फैमिली के साथ चिल करें और इंजॉय करें और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। और अगर आपके एरिया में कहीं है तो लाजमी जाएं। मुझे एक्चुअली पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे कहाँ पे है मिसागा या ब्रैम्पटन में, अगर पता हो चल गया तो मैं हो सकता है वहाँ पे भी आपको अपने साथ लेके जाऊँ। तो फिलहाल तो लॉन्ड्रियाँ करें, लॉन्ड्रियाँ कर करके रखें। और आपने आज क्या किया जब आप प्रोटेस्ट में थे तो कमेंट ज़रूर करें। इवन कि आज मैं कुछ पका लूँ, क्या पकाऊँ क्या, प्याज ही नहीं है, लाइबा ने कल ही बताया था आखिरी प्याज है। चले सोचते हैं कि क्या पकाएंगे। तो चले फिलहाल तो कपड़े तय करवाएं, कपड़े तय नहीं स्वेट्स जो होते हैं ज़्यादातर मैं इन्हें बस फोल्ड करके शेल्फ में रखती हूँ, और टी शर्ट्स और वो भी फोल्ड करके जाएंगी। जीन्स वगैरह जो है वो हैंग कर देती हूँ ताकि बार बार मुझे इस्त्री ना करने। और ये पता नहीं उसामा या उजैर का किसी का स्कार्फ है, आजकल सब यही पहन रहे हैं तो मैं भी पहन लेती हूँ ऐसे करके। मुझे यहीं से क्लोजेट में से मिला है जहाँ पे नमाज के हिजाब वगैरह रखे होते हैं, तो मैंने कहा चले। ये जो स्वेट सूट है ना, इनका बहुत ज़्यादा आसान तो है ये पहनने, लेकिन इनका जगह बहुत घिरते हैं। आप ये देखें दो जोड़े आते हैं और वो पूरा शेल्फ जो है घिर जाती है। तो इनको आप बताएं, इनकी टिप दें अगर आपके पास कोई टिप है, और पूछेंगे आपके ये क्यों पहनते हैं। ये हमारे खानदानी रिवाज है, लाइबा ने शुरू किया था लेकिन अब वो सबको इतना कम्फर्टेबल लगता है कि पहनने में। जैद भी यही पहनते हैं, उसामा उजैर लाइबा तो पहनती है, मैं भी घर में सर्दियों से भी बचा रहता है, ये इतना मोटा होता है। आपको बताएं यहाँ पे ठंडक के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, जैसे स्पाइसेस के लिए आपने मुझे बताया कि आंटी वो जो ड्रॉअर को बनाया, तो वो मैं ड्रॉअर को ही स्पाइसेस वाला बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें ये इतना मोटा हो जाता है, ये इतना बड़ा ये हो जाता है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आके देखें कि इसमें मुश्किल से दो स्वेट सूट आते हैं, ये आएगा है नहीं, दो भी नहीं आ रहे पूरे। अब मुझे इसमें से ये निकालना पड़ेगा, जो पेयर नहीं है उनको निकाल के मैंने नीचे रखा, फिर मैंने इसको रखा स्वेटर को, और फिर इसको मैंने रखा। अब वो आप मुझे पता है कि इसकी शेल्फ बड़ी कर सकते हैं, इसमें हुक्स दिए हुए हैं, लेकिन अब इतनी मेहनत कौन करवाए, जैद बेचारे थक जाते हैं।
पहले ही काम खत्म नहीं हो रहे और मैं काम बढ़ा देती हूँ, पुराने काम खोल देती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें दो दो जोड़े, एक एक जोड़ा दो दो जोड़े ही आते हैं खाली। टिप दे मुझे क्या है, तो अब मेरा ख्याल मैं इसको बंद करती हूँ और फटाफट काम करती हूँ। लॉन्ड्री अभी मैंने करके हटी है और लॉन्ड्री अलमारी में से और कपड़े निकले, टॉवल ये उठाए, ये मैंने कॉस्को से ली थी, ये बहुत हैंडी आती है, इसमें आप वाइट्स हल्के रंग अलग से डाल सकते हैं और काले जो है अलग से डाल दें और टॉवल्स अलग से डाल दें, वाइट या कलरफुल जो भी होते हैं आपके ना, तो ये बहुत मुझे तो पसंद आई है। और ये मैंने के लिए ली थी उस वक्त ही, पता नहीं अब है कि नहीं है, अगर आपको कॉस्को पे नज़र आए तो ज़रूर ले लें, लेकिन काफ़ी जगह ये घेरती है, तो आप क्लोज़ेट में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ईजी हो। तो मैंने कहा आपको ये बता दूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें से आप इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं, इस तरह से निकालें और लॉन्ड्री के लिए ले जाएं और इसी तरह वापस लाएं, रखें इसमें और क्लोज़ेट में ले जाएं और वहाँ पे आप अपने आराम से कर सकते हो। तो आप लोगों को बाथरूम की अपडेट भी दे दें कि अभी तक कैबिनेट्स पेंट हो रहे हैं नीचे ले जाके, और क्योंकि ये ग्रीन है तो हमने इसको थोड़ा डार्कर ग्रीन करवाया है और पूरे इसके सब कुछ नए मंगवाए हैं, शीशे, लाइट्स, फॉसेट और सब कुछ। ये मिरर भी यहाँ से हट जाएगा, वहाँ पे रूम में जाएगा। और इसमें टब में मैंने फ़िलहाल अपनी यहाँ से कुछ चीज़ें निकाल के वहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, बास्केट्स ला के मुझे। और यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री बास्केट है जो कि बहुत कन्वीनियंट है, और बस ये तो यहीं पे रहेगी या इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ेट में रख देंगे, ये पोर्शन ऐसा ही रहेगा फ़िलहाल। और बस आपको मैंने कहा पहले स्टैंडिंग शावर है, तो मैंने कहा आपको बिफोर और आप क्लोज़ेट में से मुझे नजर आए एक दो अबाई लागा ने निकाल के रखे हुए थे, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये मैंने जब हज की लास्ट ईयर तैयारी की हुई थी उमरे की, और उस वक्त लागा ने ऑर्डर किए थे अपने लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन इंशाल्लाह ने चाहा तो दोबारा जाएंगे और पहनेंगे लेकिन आजकल जैसे हम लोग जा रहे हैं उस पर जुम्मे पे, तो वहां पे भी ये पहन सकते हैं सर्दियों में, मतलब अंदर आप कुछ और पहन लें जो भी पहनो, लेकिन जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ जो लाइबा ने ऑर्डर किया बहुत ही खूबसूरत सा है, ये अंडरनीथ आप पहन लें उसके, और साथ ये इतना खूबसूरत सा ये दिया है इन्होंने अबाया, ये देखें ऊपर से इसको आप इस तरह पहने आराम से, अंदर वो वाइट वाला पहन ले या ग्रे पहन ले जो भी पहन ले, तो ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा, और इसके साथ मैचिंग जॉर्जेट का ये देखें मून्स बने हुए हैं इसके ऊपर, और मून ही इसके ऊपर बने हुए हैं, चांद ही इस पर बना हुआ है, चांद ही इस पर बना हुआ है। और जब आपने इसके अंदर ये वाइट पहना हुआ होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो भी खैर ऑनलाइन पिंक वाला किया था, पिंक वाले में तीन चार कलर ऑर्डर किए थे, उसमें वाइट था और ब्लू था और मेरे ख्याल पिंक था। तो जब इस दिन ये फुल पहनेगी लाइबा या मैं पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया, ये बहुत हल्का फुल्का सा है और अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह हज और उमरे पे जब जाएंगे तो जब भी पहनेंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ मस्जिद के लिए ये ऑर्डर किए, नमाज के लिए आसानी होती है बच्चियों को पहनने के लिए, उनको मुश्किल नहीं लगता ऊपर नीचे से अगर उन्होंने वो पहने भी हुए हैं स्वेट पैंट्स, क्योंकि सर्दी होती है यहाँ पे, ये पतले कपड़े नहीं चलते, जब सर्दी है तो फिर आप अंदर से इसके कुछ भी पहन लें तो पता ही नहीं चलेगा। ये देखें कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं बल्कि लाइबा से कहने वाली हूँ डिफरेंट कलर्स में भी ऑर्डर कर देंगे। आज बना रहे हैं आलू की भुजिया, बगैर आलू को यही बन सकता था जीरे वाली, आलू की शक्ल देखें कितनी अच्छी नज़र आ रही है, और यहाँ से फ्रोजन सीख कबाब गर्म हो रहे हैं आज के चाय बन रही है। और अब ये देखें आज कैबिनेट्स पेंट होने के बाद लगने के बाद कितने खूबसूरत लगे, बहुत डबल माइंड थे हम लोग कि किस तरह के लगेंगे, लेकिन ग्रीन कलर वाह वेरी नाइस।